हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड साइंटिफिक पोजिशन से है। ठीक है, तो सीएसआर का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट में जो है वो साइंटिफिक पोजिशन जो है वो निकाली गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन है साइंटिफिक पोजिशन का, ये निकाला गया सीएसआईआर नीरी में। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर नीरी, ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रेजेंट है नागपुर में। ठीक है, तो नागपुर में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड नेहरू मार्ग में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि साइंटिफिक पोजीशन जो है वो निकाली गई है एट लेटर लेवल, और जो नंबर है वो है 7। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे राइटली मेंशन कर रखा है कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसीव करने की, वो 29 सितंबर है। ठीक है, तो देखिए, अब हम देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सीनियर साइंटिस्ट, पे मैट्रिक्स भी यहाँ पे दे रखा है, लेवल 12 78,800 टू 2,09,200, वहीं प्रिंसिपल साइंटिस्ट का 1,23,100 टू 2,15,900। इसके साथ यार यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखी, तो अगर आपको यहाँ पे मैंडेटरी है पीएचडी होना, ठीक है, तो यहाँ पे जो एमएससी वाले बच्चे हैं वो नहीं डाल सकते, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है वही यहाँ पे एलिजिबल है। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एज लिमिट भी लगा रखी है कि फॉर सीनियर साइंटिस्ट एज लिमिट 37 ईयर्स, एक्सपीरियंस 2 ईयर फॉर पीएचडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। फॉर प्रिंसिपल साइंटिस्ट यहाँ पे जो एज लिमिट है 45 ईयर, एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखी है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ वाटर बॉडी रिस्टोरेशन। और प्रिंसिपल साइंटिस्ट की, तो देखिए यहाँ पे आप जो है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है और आपके पास इतना जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट या नेचर ऑफ जॉब भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ऐसे ही देखिए, और जो पोस्ट है, जो जितनी पोस्ट है मेनली सबके लिए जो है वो क्वालिफिकेशन, इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है पीएचडी ही मांग रखा है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में निकाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पीएचडी मांगी वो एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। वहीं अगर सेकंड पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो है पीएचडी केमिस्ट्री से मांगा है। वहीं अगर और पोस्ट की हम बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस। तो ऐसे देख सकते हैं आपके पीएचडी जिस भी डिग्री में हो या जिस भी सब्जेक्ट में हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पीएचडी साइंस इंजीनियर ऐसे करके, तो जितने सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पोस्ट को निकाला है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपको 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको डीए, एचआरए और टीए भी यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी आप रिइम्बर्स कर सकते हैं, रिइम्बर्स अपनी ट्यूशन फी भी कर सकते हैं, लीव, टेबल कंसेशन, कन्वीनियंस और कंप्यूटर एडवांस एंड हाउस बिल्डिंग एडवांस आर आल्सो अवेलेबल एज पर सीएसआईआर रूल। तो सीएसआईआर रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेनिफिट है वो यहाँ पर जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पेंशन भी दी जाएगी, तो ये और डिपेंड करता है सीएसआईआर रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि इसका फी भी कितना है। तो देखिए इसका भी फी मेंशन कर रखा होगा, स्क्रॉल डाउन करके हमें देखना पड़ेगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दे रखा है, साथ ही साथ अगर आप रिलैक्सेशन दे रखा है देखिए। ठीक है, तो द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 सितंबर 2020 तक आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इसके बाद और भी चीजें हम देख लेते हैं, अगर आपका पीडब्ल्यूडी या अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, अगर आप डिसेबल हैं तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन फी, तो आपको यहाँ जो एप्लीकेशन फी है वो है 500 रुपीज। ठीक है, फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फी पेमेंट मैंडेटरी है। ठीक है,
इसके साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट्स देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है बिफोर 29 सितंबर 2020 अप टू 5 PM, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म सेंड बाई पोस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको अपना जो ट्रांजेक्शन नंबर है, डेट एंड एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो वो आपको, साथ ही साथ 2 कलर फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ भेजनी है। वहीं आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ भेजना है, और सर्टिफिकेट आपको और भी सर्टिफिकेट भेजने जो कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में हो, या डिग्री अवार्डी और आपकी जो मार्कशीट्स है। साथ ही साथ जो आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको भेजना है, अगर आप किसी पार्टिकुलर कास्ट के हैं जैसे कि OBC या SC ST, या आप किसी कम्युनिटी के हैं, या आप क्लास या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये सब चीजें जो है आपको भेजनी है अगर आप किसी कोटा के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड या टेस्टिमोनियल्स भी भेज सकते हैं। इसके साथ ये सर्टिफिकेट इशू अदर देन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ सर्च सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश ड्यूली अटेस्टेड बाय गेस्ट ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के छोड़ किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा हिंदी या इंग्लिश में, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो इसके बाद वो तो इंग्लिश वर्जन था, अगर आपको हिंदी वर्जन देखना है तो इसके नीचे आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन भी देखने को आसानी से मिलेगा। तो अगर आप हिंदी में इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे पूरा आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे हिंदी में भी दिया जाएगा, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया कि कैसे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोजिशन के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है www.neeri.res.in, और वहां पे आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो जैसे वो लिंक रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अंडर रेगुलर और परमानेंट जो बटन आएगा वहां पे आपको क्लिक करना है, और आपको ये जो फॉर्म है वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मेल रिसीव होगा। देखिए जो मेल होगा वो कैंडिडेट विल रिसीव ईमेल फ्रॉम recruitment@neeri.res.in इन रिगार्डिंग लॉग इन क्रेडेंशियल, ठीक है। तो सक्सेसफुल सबमिशन के साथ आपको जो एक मेल मिलेगा वो उसमें आपका जो लॉग इन इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो लॉग इन इन्फॉर्मेशन आप यूज करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एडिट या उसे आप जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट या प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोजीशन है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ, यहाँ पे अगर आपका PhD डिग्री है तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज MSc के लिए ये फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके ने PhD कर रखा है पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो यहाँ पे एलिजिबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया है तभी आप अप्लाई करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।